हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर देखेंगे मटेरियल्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास बहुत तरह के मटेरियल हैं। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारे मटेरियल्स हैं। तो हम आज देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले मटेरियल होता क्या है? तो एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस जो कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है वो सब क्या है? मटेरियल है। ठीक है, आप देखोगे हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो कोई ग्लास का बना हुआ है, कोई स्टील का बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हमारी जो डे बाय डे की चीज़ें हैं। ठीक है, सो एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज मटेरियल। अब आगे एक टेबल दी हुई है जिसमें जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, कप है, शर्ट है, ठीक है, जो भी वो किस किस मटेरियल से मिलके बना है वो आपको लिस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हमारे एंशियंट टेक्स्ट में से भी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह में भी बहुत सारे मटेरियल्स का मेंशन हुआ है, जिसमें जो पॉटरी वाली चीज़ें जो हैं बहुत सारी सिविलाइजेशन में, नॉट जस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन में सारी चीज़ें मिली हुई हैं। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, स्पेशली टेराकोटा वगैरह। ठीक है, तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में भी बहुत सारे मटेरियल का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी ग्रुप मटेरियल्स, हम मटेरियल को ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो इस ग्रुपिंग, क्योंकि अलग अलग मटेरियल अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा, कोई स्टील का बना होगा, कोई रबर का बना होगा, तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो ग्रुपिंग कई तरीके से हो सकती है, शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, ठीक है, उनके टेक्सचर के बेसिस पे, अलग अलग कैटेगरी है इनको अरेंज करने की। तो अब इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब वो सर्टेन प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं किसी को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक टम्बलर लेना है आपको, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें लिखना है कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, तो इसको करिएगा आप लोग। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाई कांट टम्बलर मेड ऑफ क्लोथ, क्लोथ का क्यों बना हुआ ग्लास हम यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि भाई वो पोरस होता है, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होंगे, तो पानी रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्लोथ का इसीलिए नहीं यूज़ करते हैं, उसकी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग है, क्लोथ की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, स्टील का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम तीन अलग अलग टाइप की बॉल्स लेते हैं, एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है और हैंड एक्सरसाइज बॉल है, तो अगर तीनों को हम रिबाउंड करवाते हैं, मतलब ज़मीन पर अगर फेंकते हैं तो सेम फोर्स से, तो तीनों का जो रीबाउंड लेवल होगा वो अलग अलग होगा। बाउंस बैक कौन कितना करेगा वो डिपेंड करेगा किस में कितनी, कौन किस टाइप का मटेरियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको लिखना है, मेंशन करना है। अब व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई वुड को काटते हैं, ठीक है, मेटल को काटते हैं, तो जब जहाँ से काटते हैं, सपोज़ ये कोई पीस है, यहाँ से अगर हमने काटा तो इस जगह पे आप देखेंगे उसका कलर थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अलग अलग मटेरियल का जो अपीयरेंस है, दिखता जो है, वो भी अलग अलग होता है। ठीक है,
तो ये सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग करने में, क्लासिफिकेशन करने में। तो अभी हम देखते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, शाइनी सरफेस होता है। जनरली ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब वो अलग बात है, मेटल के ऊपर कुछ लेयर जमा हो गए, शाइन ख़त्म हो गई, वो अलग चीज़ है, बट नेचुरली उसमें कुछ शाइन होगा। उस तरह के मटेरियल को हम लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं, लस्ट्रस सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये मटेरियल जो होते हैं इनमें चमक होती है। जनरली ये क्या होते हैं, जनरली ये सारे मेटल्स होते हैं। अब ये मेटल आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ये सारे आप देखो शाइन होता है, ठीक है, शाइन होता है, इसीलिए सिल्वर और गोल्ड हम ज्वेलरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एयर से, वाटर से, तो बाद में वो फेड हो जाते हैं, ठीक है, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी उनकी अफेक्ट होती है उस समय, ठीक है। ऐसे ही नॉन लस्ट्रस सब्सटेंस क्या हुए, नॉन लस्ट्रस मटेरियल, वो मटेरियल जो जिनमें शाइनी सरफेस नहीं होता है, ठीक है, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, ठीक है, शाइनी सरफेस नहीं होता है, उनको हम नॉन लस्ट्रस बोलते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगराइज, अभी तो एक हमारा बेसिस हो गया, किसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब ऐसे ही एक आ गया हमारा अगला बेसिस, हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के बेसिस पे। हार्ड मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनको कंप्रेस करना या स्क्रैच करना मुश्किल होता है, ठीक है, वो मटेरियल जिनको कंप्रेस करना, चॉक है, चॉक को आप आसानी से हार्ड कंप्रेस कर पाओगे, दबा पाओगे तो हार्ड हो गया। स्पंज है, ठीक है, उसको आप दबाओगे आसानी से दबा सकते हैं, ऐसे ही स्क्रैच कर सकते हैं आप सॉफ्ट मटेरियल को, हार्ड मटेरियल को आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन ये हो गया। अब ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको आप खुद से करिएगा, वाटर बॉटल हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है मटेरियल, क्या क्या यूज हुआ है, ये खुद से करना है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आ गया, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है। तो वो मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन पेपर, सेलोफिन, सॉरी सेलफोन नहीं, सेलोफिन पेपर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, और जिनके आर पार नहीं देख सकते उनको हम बोलेंगे ओपेक, जैसे लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल्स, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ये ओपेक हो गए, हिंदी बोलते अपारदर्शी। अब एक बचता है ट्रांसलूसेंट, तो जो ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि जिनके थ्रू देखा जा सकता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखेगा, फेड होके दिखेगा, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिखेगा, उसको ट्रांसलूसेंट, जैसे बटर पेपर, फ्रस्टेड ग्लास, ठीक है, जैसे ग्लास है ना, उसके ऊपर फ्रॉस्ट आगे आ गई, क्या हुआ, ये कई तरह इस तरह के ग्लास बनाए जाते हैं जिससे पूरी तरह क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। आगे चलते हैं, अभी एक्टिविटी सारी आपको करनी है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन जो करना था कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट आ गया सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल। सोल्यूबल क्या उनसे होते हैं, जो इजीली मिक्स हो जाएंगे वाटर में, ठीक है, वो सोल्यूबल है। अब आप वाटर में शुगर डाल देते हो, शुगर क्या हुआ, सोल्यूबल हुआ, सॉल्ट क्या हुआ, सोल्यूबल हुआ, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप सैंड डाल दो तो ये क्या हुआ, नॉन सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है, ये पानी में नहीं मिक्स होगा, नहीं घुलेगा,
ठीक है, वो पानी में मिक्स होने का भी एक लेवल है। ऐसा नहीं है कि एक ग्लास में आप शुगर डालते रहो, चाहे जितना शुगर डाल दो, चाहे जितना सॉल्ट डाल दो, ऐसा नहीं है। एक लिमिट के बाद वो भी मिक्स होना रुक जाएगा। वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेचुरेशन बोलते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन कि मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर देम। अगर उसको हम पानी में घोलने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो मिक्स नहीं होता, उसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन, मास क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मास क्या होता है। सपोज एक दो मैंने ग्लास ली, सेम साइज सेम मटेरियल की मैंने दो ग्लास ली। एक में मैंने सपोज वाटर फिल किया, ठीक है, पूरा फिल कर दिया। दूसरे में पूरा आयरन का एकदम पीस उतना ही फुल करके आयरन के छोटे छोटे टुकड़े फिल कर दिए। ठीक है, सेम क्वांटिटी सेम है दोनों में, क्वांटिटी मतलब जितना बड़ा ग्लास है उसको फुल भरा हुआ है, एक में पानी एक में आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं, एकदम कम्प्लीटली फिल कर दिया है। कौन सा हेवी होगा? ऑब्वियसली ये आयरन वाला हेवी होगा। तो आयरन हेवी क्यों हुआ? क्योंकि आयरन में मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हेवी या लाइटर जिस प्रॉपर्टी की वजह से होती है उसी को हम मास कहते हैं। ठीक है, तो मास कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हमें हेवी या लाइट लगती है। वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हेवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। मास की वजह से ही हमें हल्की और भारी लगती हैं चीज़ें। मास ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा लगेगा हमें, सॉरी वेट नहीं, वेट अलग टर्म हो गया, वेट अब यहाँ पे आ गया। तो वेट जो होता है, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, जिसका वैल्यू होता है 39.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो अभी वेट और मास सेम नहीं होता है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब स्पेस एंड वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए दो क्लास है, एक में आधा पानी भरा हुआ है, एक में पूरा भरा हुआ है। ठीक है, सेम मटेरियल है, लेकिन जिसमें ज़्यादा फिल किया है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? जितना ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी कोई चीज़, उतना वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि इसने कम जगह ऑक्यूपाई की है, आधा ही ग्लास फिल है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कोई चीज़ जगह घेरेगी ऑक्यूपाई करेगी उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा, कम जगह घेरेगी उतना वॉल्यूम कम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा था वाटर इन फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस रदर देन वाटर इन द अदर टम्बलर। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई वाटर रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। ठीक, जितना पानी ने जगह घेरा वही उसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, यहाँ पे 500 ml लिखा हुआ है, 500 मिलीलीटर, इसका मतलब क्या बता रहा है? कितना वॉल्यूम इसमें है। ठीक है, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर वॉल्यूम बता रहा है वो। ठीक है, कोई भी पैकेट होगा, लिक्विड का सॉलिड का जो भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैटर? मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसमें कुछ मास होता है इज कॉल्ड एज मैटर।
एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। ओके, सो जो मैटर है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, सब कुछ मैटर है। क्यों? क्योंकि वो सब क्या कर रही हैं, या तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, और कुछ ना कुछ, चाहे हवा है, पानी है, सब कुछ क्या है, मैटर है। इसकी स्पेस को किस में मेज़र करते हैं हम? वॉल्यूम में मेज़र करते हैं, ठीक। और मास की यूनिट हम आगे देखेंगे क्या होती है। वेट की यूनिट एक्चुअली मास और वेट में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, वो आपकी क्लास में एक्चुअली दिया नहीं है, फिर भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, शॉर्ट में SI यूनिट्स बोलते हैं। इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसके में मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक। इज एयर अ मैटर, क्या एयर मैटर है? क्या स्पेस लेती है? बिल्कुल लेती है। क्या इसमें मास है? बिल्कुल मास है। आप बलून फुलाओ तो बलून में एयर अगर स्पेस नहीं लेती तो कैसे एक्सपेंड होता है? एक्सपेंड होता है ना, इस वजह से। तो एयर इज अ मैटर, इसको जो लिखा हुआ वो एक बार आपको खुद से पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अब देखिए कि एंशियंट टेक्स्ट दिया हुआ है, संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है, इसमें भी अभी जो आपने पढ़ा सब कुछ मेंशन है, क्या क्या मीनिंग है इसका। गुरु का मतलब हीनिंग हैवी, मंद का मतलब स्लो, हीमा का मतलब कोल्ड, ठीक है, ऐसे ही लघु मतलब स्मॉल, तीक्ष्ण मतलब क्विक फास्ट, उष्ण मतलब हॉट, रुक्ष मतलब ड्राई, खर मतलब रफ, द्रव मतलब लिक्विड, कथने मतलब हार्ड। तो ये इस श्लोक में ही यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, अलग अलग मतलब मटेरियल्स की 20 प्रॉपर्टी बताई गई हैं, 20 प्रॉपर्टीज़, गुण, हिंदी में गुण बोलते हैं इसको, मटेरियल्स की 20 प्रॉपर्टीज़ में बताई गई हैं इस श्लोक में। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन, हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्ट्रस, मास, मटेरियल, मैटर, ये सारा कुछ मेंशन कर दिया है मैंने, एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो समरी है, ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल और कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। वी कैन यूज मटेरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये सारी डिफिनेशन मैंने बता दी, देख लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा बताना है, बाकी एक्सरसाइज में बाद में करूँगा, पहले खुद से एक्सरसाइज ट्राई करना है, उसके बाद उसको देखेंगे।